हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली एसएससी एंड रेलवे में। मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, मुझे बताइए प्लीज। यस, आई थिंक मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एक मॉक टेस्ट के बारे में। और दोस्तों, हर सैटरडे शाम को 6 बजे मेरा सेशन हुआ करेगा और हर सैटरडे मैं एक मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है और हम डिस्कस करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या आपका पेपर का किस तरीके का पैटर्न हो सकता है, उसी पर आधारित सभी के सभी क्वेश्चंस होंगे। तो मेरे क्वेश्चंस होंगे, आपके जवाब होंगे, फटाफट उनके आंसर दीजिएगा, देन अपने आप को एनालिसिस करिएगा कि आपको कितना आता है। यहां पर यह चीज आप एनालिसिस करिएगा बाद में कि कितना आपको आता है, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है। गाइडली का जो दूसरा चैनल है बैंक और इंश्योरेंस का, वहां पर आप 11 बजे सोमवार को जुड़ सकते हैं सक्सेस स्टोरी के लिए स्वर्ण सिंह यादव की, जो सिलेक्ट हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। दोस्तों, ये सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए है। आप दूसरों के सक्सेस देखेंगे, आप मोटिवेट होंगे, तो एक ना एक दिन आप जरूर आगे बढ़ेंगे, सक्सेस मिलेगी आपको। देन दोस्तों, अगेन मेरा कोड इस्तेमाल करिए आप दोस्तों, ठीक है, फ्लैट 51% डिस्काउंट के लिए मेरा कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कोर्सेज हैं, मतलब लाइव बैचेस हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, इसके लिए आप guidely.in पर विजिट कर सकते हैं कोर्सेज को परचेज करने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स। देन दोस्तों, यहां पर बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताइए, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज इक्विवेलेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के बराबर है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आंसर करिए इसका। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के बराबर है? जल्दी से आंसर करिए फटाफट, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं आंसर करते रहिए फटाफट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट लॉ, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बिटू नायक जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, यस, पहला फर्स्ट लॉ होगा। दोस्तों जानते हैं, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। ऊष्मागतिकी का ये जो नियम है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार क्या है दोस्तों, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, कैसे? जो कोयले का इंजन है ना, जो रेलवे के इंजन होते हैं ना, जो पहले कोयले से चलते थे, तो कोयले की ऊष्मा को हम किस में बदलते थे, हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते थे। तो ये दोस्तों सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आंसर बताइए, रेड टाइड्स, ठीक है, सी से रिलेटेड है, टाइड्स आप जानते हैं, ठीक है। तो रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ, रेड टाइड्स जो होते हैं वो किसकी बड़ी संख्या के कारण होते हैं? टाइड्स आप जानते हैं, हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है, समुद्र का जल स्तर घटना और बढ़ना, ये टाइड कहलाता है। तो रेड टाइड किसके कारण होते हैं, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। रेड टाइड्स किसके होने के कारण होते हैं, जल्दी से बताइए फटाफट आंसर दीजिए इसका। मैं आपके आंसर देख रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए इसका, क्या होगा इसका सही आंसर। रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ, रेड टाइड की बड़ी संख्या के कारण होते हैं, क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डिनोफ्लैगलेट्स, क्या होगा इसका सही आंसर, डिनोफ्लैगलेट्स, ठीक है, समझते हैं इसके बाद। तो रेड टाइड इज अ कॉमन नेम फॉर अलगल ब्लूम, मतलब समुद्र में आप देखिएगा, ठीक है, समुद्र की तलहटी में आप देखिएगा तो बहुत सारी हरी हरी प्रकार की झाड़ियां होती है वहां पर, तो दैट आर कॉज्ड बाई एन एक्सप्लोजिव ग्रोथ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन माइक्रोस्कोपिक एलगाई, मोस्टली डिनोफ्लैगलेट्स, इनको क्या बोलते हैं हम, डिनोफ्लैगलेट्स के नाम से जानते हैं। इट ऑल्सो कैन लीड टू illness in humans as well as in animals, ये अगेन मानव में और जानवरों में भी बीमारी फैला सकती है। तो रेड टाइड्स क्या है, अलगल ब्लूम के लिए एक सामान्य नाम है जो एक विस्फोटक वृद्धि और कुछ सूक्ष्म शैवाल के ज्यादातर डिनोफ्लैगलेट्स के संचय के कारण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इस ये बहुत ही इजी है, आप सभी लोग इसका जवाब दे लेंगे। हाई स्पीड टार्क को लो स्पीड टार्क और इसके विपरीत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई स्पीड टार्क इनटू लो स्पीड टार्क एंड वाइस वर्सा, इसका आंसर आप दे लेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर फटाक से।
कि हाई स्पीड टॉर्क को लो स्पीड टॉर्क या इसके विपरीत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताते रहिए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा गियर बॉक्स। आप मोटरसाइकिल में देखते हैं, ठीक है, आप कार में देखते हैं, मतलब जितनी भी व्हीकल्स हैं उसमें आप गियर बॉक्स देखते हैं, तो गियर बॉक्स एक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च गति वाले टॉर्क को कम गति वाले टॉर्क में बदलने के लिए किया जाता है। गियर बॉक्स का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग उन वाहनों में है जो इसे स्थानांतरित करने और तेज करने में मदद करते हैं। तो गियर बॉक्स क्या है, एक डिवाइस है जो कि यूज करी जाती है कन्वर्ट हाई स्पीड टॉर्क इंटू लो स्पीड टॉर्क। हाई स्पीड को लो स्पीड टॉर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों हम गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, यहां पर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाक से बता देंगे। व्हिच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का सबसे बड़ा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, जल्दी से कमेंट करिए, मुझे बताइए भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, कहां पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट ये खनिज है जो पाया जाता है। सही आंसर करिए इसका जल्दी से फटाफट। बिटू जी, लोकेश जी, आप आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी जुड़ जाइए, आप आंसर दीजिए, भले गलत सही से कोई मतलब नहीं, आप अपने आंसर दीजिए जो आपको पता है, देन आपको चीजें पता तो चलती रहेंगी, मुझे आपका पार्टिसिपेशन देखना है, कितना आप पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, लोकेश जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, उड़ीसा। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा जानते हैं, उड़ीसा देश का कुल उत्पादन का 45% के साथ भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। मतलब पूरे भारत में बॉक्साइट का जितना भी उत्पादन होता है उसका 45% उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा करता है, ठीक है। और मुख्य बॉक्साइट बेल्ट मतलब उड़ीसा में कहां, तो उड़ीसा के कालाहांडी और कोरापुट जिले में सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है, सबसे ज्यादा बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आप बता देंगे इसको, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद किस परिवहन प्रक्रिया का एक उदाहरण है। अ ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग स्प्रेडिंग आउट इन अ कप ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। आप देखते हैं एक ग्लास वाटर है, उसमें खाने की जो रंग है उस रंग की एक बूंद डाल दीजिए तो कैसे फैल जाती है पूरा, ठीक है। तो वो फैलने के लिए, वो जो फैलने की प्रक्रिया है वो किस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है, इसका भी आंसर आप दे लेंगे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं। तो प्रसार एक पदार्थ की उच्च एकाग्रता से कम एकाग्रता तक की गति है। यह ज्यादातर कहां पर होता है, तरल और गैसों में, मतलब लिक्विड और गैस में होता है, ठीक है, ठोस में नहीं होता है। तो लिक्विड और गैस क्यों, क्योंकि इनके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेतरतीब ढंग से चलते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। प्रसार जो है, ठीक है, इट मोस्टली हैपेंस इन लिक्विड एंड गैसेस। ज्यादातर कहां पर होता है, लिक्विड और गैसेस में, बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आपको इतना याद रखना है, डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए, ये भी आप बता लेंगे, मुझे पता है, किस वर्ष फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। फुटबॉल को कब ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट। बिटू जी, लोकेश जी, आप आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आप लोग फटाफट आंसर करिए जो भी आपको पता है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पर चल रही है, तो जल्दी से आंसर करते रहिए, सही गलत से कोई मतलब नहीं, आपका काम है आंसर करना, आप आंसर करिए फटाफट, सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। बढ़िया दोस्तों, तो दोस्तों क्या है, सही आंसर इसका है 1908। 1908 में ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया था, समझ लीजिएगा। तो फुटबॉल को 1908 में आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया था। 1908 से खेल को 1932 को लॉस एंजलस में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें फुटबॉल नहीं खेला गया था। उसके अलावा आज तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं सब में फुटबॉल खेला गया है। तो याद रखिएगा, फुटबॉल को कब 1908 में शामिल किया गया था ओलंपिक गेम्स में, याद रखिएगा।
लोधी वंश का पहला शासक आप बता देंगे, लोधी वंश का पहला शासक कौन था, मतलब किसने लोधी शासन की नींव डाली थी, या ये कह सकते हैं लोधी वंश की स्थापना करी थी, जल्दी से बताइए, आप बता देंगे, ये भी आंसर बहुत इजी है आपके लिए, फटाक से बताइए मुझे, लोधी वंश का पहला शासक या लोधी वंश की नींव डालने वाला ये एक अफगानी शासक था, ये मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर बताइए, लोधी वंश का पहला शासक। तो दोस्तों लोधी वंश का पहला शासक कौन था, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने लोधी साम्राज्य की स्थापना करी थी। बहलोल लोधी अफगान सरदारों में से एक थे जिन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी, उन्होंने तैमूर के आक्रमण के बाद पंजाब में खुद को स्थापित किया था। और आपसे पूछा जाए लोधी वंश का अंतिम शासक, तो याद रखिएगा लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी, कौन था, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ही अकबर का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था, और वहीं से लोधी डायनेस्टी जो थी लोधी साम्राज्य का समापन हो गया था, और वहां से अकबर मतलब मुगलों का शासन जो है वो स्टार्ट हो गया था। देन जितेंद्र जी बिल्कुल सही है, फटाफट आंसर करिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, इसमें से बताइए कौन सा वो स्मारक है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है, भारत की यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर करिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, इन चारों में कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, जल्दी से आंसर करिए इसको फटाफट, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी 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 जल्दी, हाँ सॉरी 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 ऋषिकेश रमन जी, यस गलती हो गई, यस बाबर, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बाबर ने स्थापना करी थी, बिल्कुल सही है आपकी बात, ठीक है वो दिमाग से एकदम से हट गया, मेरी बात समझिएगा, यस बाबर ने, बिल्कुल बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था पहला पानीपत का युद्ध, ठीक है, यस आप सही है बिल्कुल। तो अगेन फतेह नहीं, ये तीनों हैं, हवा महल नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हवा महल, दोस्तों याद रखिएगा हवा महल। अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र में है ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, रेड फोर्ट भी है, फतेहपुर सीकरी जो आप जानते हैं आगरा के पास है फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी में आप जानते हैं बुलंद दरवाजा, ठीक है बहुत ही फेमस है, तो ये तीनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हवा महल जो कि आप जानते हैं जयपुर में है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है, इंडिविजुअली शामिल नहीं है। तो टोटल इंडिया में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है कभी आपसे पूछा जाए तो ये 38 हैं, लास्ट ईयर को मिला लिया जाए तो 38 साइट्स हैं। और दोस्तों लास्ट ईयर 2019 की अगर मैं बात करूं यहां पर 2019 में क्या जोड़ा गया, मतलब 38वां वो कौन सी साइट थी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुई, तो पूरा का पूरा शहर शामिल किया गया था जयपुर, याद रखिएगा कोई एक मोनूमेंट्स नहीं था, पूरा का पूरा शहर जयपुर सिटी ऑफ जयपुर को शामिल किया गया था 38th यूनेस्को साइट के रूप में। तो हवा महल के बारे में जान लेते हैं, हवा महल भारत के जयपुर में एक महल है, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना महल सिटी पैलेस जयपुर के किनारे पर स्थित है और जेनाना या महिलाओं के कक्षों तक फैला हुआ है। महाराजा सवाई सिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के संस्थापक थे द्वारा 1799 में इस संरचना का निर्माण किया गया था। यह हवा महल के बारे में है दोस्तों, तो हवा महल नहीं है, कुल 38 साइट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल, काला घोड़ा कला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। फेस्टिवल पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बन जाता है, तो जल्दी से बताइए काला घोड़ा कला महोत्सव ये भारत के किस राज्य में, ठीक है मतलब किस राज्य के शहर में, यहां थोड़ा सा राज्य की जगह समझ लीजिएगा, किस शहर में, ठीक है सिटी समझ लीजिएगा यहां पर वो ज्यादा, क्योंकि राज्यों की बात नहीं कही गई है यहां पर, शहरों की बात कही गई है। तो किस शहर में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है, जल्दी से इसका आंसर करिए, कहां पे मनाया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव, जल्दी से बताइए मुझे काला घोड़ा कला महोत्सव। काला घोड़ा कला महोत्सव जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है दोस्तों मुंबई में, कहां मनाया जाता है मुंबई में मनाया जाता है मुंबई में, ठीक है। हर साल काला घोड़ा उत्सव कला और संस्कृत से जुड़ा त्यौहार है जिसे गांधी जी की अब तो 150वीं लास्ट ईयर भी मनाया गया था और इस साल भी मनाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा काला घोड़ा उत्सव कहां मनाया जाता है, हर साल मुंबई में मनाया जाता है।
देन भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी, मतलब कोस्ट गार्ड आप जानते हैं, ठीक है, जो जैसे अगेन बीएसएफ है जो बॉर्डर सिक्योरिटी करती है, तो कोस्ट की सिक्योरिटी करने के लिए इंडिया के पास जो जो सेना है उसे हम कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं। तो भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी कहां पर स्थापित करी गई, जल्दी से इसको बताइए मुझे, कोस्ट गार्ड एकेडमी। जितेंद्र जी बिल्कुल सही आंसर दिया था आपने पिछला, मुंबई बिल्कुल सही है। अब इसका आंसर करिए, कोस्ट गार्ड एकेडमी कहां पर स्थापित करी जा रही है, भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी, जल्दी से बताइए, कोस्ट गार्ड एकेडमी। आंसर करते रहिए फटाफट फटाफट, जितने लोग भी जुड़े हैं आंसर करते रहिए आंसर करते रहिए। ठीक है, डी आप बता रहे, विशाखापत्तनम, कमलेश जी ने बताया है विशाखापत्तनम, क्या यह सही जवाब है? और लोग आंसर करिए फटाफट। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है मंगलुरु। ठीक है, इसका मैं सही जवाब बता दूं, टेंसी। हाँ, आर के सिंह जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मंगलुरु। मंगलुरु में इंडिया का पहला कोस्ट गार्ड एकेडमी जो है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है, याद रखिएगा। देन तो भारत का पहला तटरक्षक अकादमी वर्षों के विलंब के बाद मंगलुरु में आने के लिए तैयार है। देश का पहला तटरक्षक अकादमी कर्नाटक के मंगलुरु में 158 एकड़ क्षेत्र में आने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जितेंद्र जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको के नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना जो कि मैक्सिको की हैं, इनका निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मारियो मोलिना का निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से इसका आंसर करिए मुझे, ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स की न्यूज है दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए फटाफट आंसर करिए, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अब जानते हैं कब मिला था दोस्तों, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है, 1995 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियो मोलिना का निधन हो गया, वह 77 वर्ष के थे। ठीक है, मोलिना रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली मैक्सिकन थी, मतलब मैक्सिको से पहली व्यक्ति थी जिन्होंने क्या था नोबेल प्राइज जीता था। ठीक है, तो याद रखिएगा नोबेल केमिस्ट्री से जीता था, कब जीता था, 1995 में। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे इस वर्ष का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री किसने जीता, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए। नहीं ऋषिकेश जी, पीस नहीं है, केमिस्ट्री है यहां पर। आगे ये भी आप जानते होंगे, जल्दी से बताइए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ फेमस बुक रिटन बाय होम। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक बहुत ही फेमस बुक है, किसने लिखा है इसको, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जल्दी से बताइए इसको, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जल्दी से बताइए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फटाफट आंसर करते रहिए मुझे। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है, हाँ जी जितेंद्र जी आपने सही दिया है, केमिस्ट्री है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जल्दी से बताइए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी गई है दोस्तों अरुंधति राय जी के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति रॉय, जानते हैं इसके बारे में। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ डेब्यू नॉवेल ऑफ इंडियन राइटर अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने इसी नॉवेल से अपनी शुरुआत करी थी और इसी नॉवेल के लिए वो चर्चा में रहती हैं, जानी जाती हैं अरुंधति रॉय। ठीक है, जितेंद्र जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, आगे बढ़िए फटाक से। ठीक है, जानते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिंसिपल कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन एटमॉस्फियर। वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है वायुमंडल में, जल्दी से आंसर करते रहिए। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, ओजोन डेप्लेशन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डेप्लेशन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन डेप्लेशन, ऑल ऑफ द अबव, क्या इसका सही आंसर होगा, वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए फटाफट आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, सभी जिम्मेदार हैं, ओजोन डेप्लेशन भी जिम्मेदार है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डेप्लेशन भी जिम्मेदार है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन डेप्लेशन भी जिम्मेदार है। देख लीजिएगा, ओजोन की कमी ना केवल जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, स्ट्रेटोस्फेरिक और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन रिक्तिकरण जो हाल के दशकों में बढ़ा है जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सभी जिम्मेदार हैं। देन भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर, वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन इंडिया, भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, भारत में पहला कंप्यूटर।
आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आंसर बताते रहिए इसका। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है कोलकाता। सही आंसर क्या है दोस्तों इसका? कोलकाता सही आंसर है। जानते हैं कहां पर? तो द फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इंस्टॉल्ड इन इंडिया एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो कि कोलकाता में स्थापित है। तो पहली बात तो पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और दूसरा क्वेश्चन इसी से बन गया कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, या ये संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये संस्थान कोलकाता में स्थित है। तो इसी प्रकार से दो क्वेश्चन बन गए। देखिए परम की बात कर रहे हैं तो परम सुपर कंप्यूटर है कौशिक दास जी, परम सुपर कंप्यूटर है। मैं सुपर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था। आप सही कह रहे हैं, परम भारत का सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए, बिग ब्लू कंपनी। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, बिग ब्लू के नाम से किस कंपनी को जाना जाता है? तो बिग ब्लू जल्दी से बताइए, बिग ब्लू के नाम से किसको जाना जाता है? तो बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है दोस्तों आईबीएम को, आईबीएम, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से। ये कंपनी आप जानते हैं प्रोसेसर बनाती है, ये कंपनी, ये एक अमेरिकन कंपनी है। आईबीएम इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन एरमोंक न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका ऑफिस है। इसका निक नेम है बिग ब्लू। किस नाम से? बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। अब एक बात मैं यहां पर आपको और क्लियर करना चाहूंगा, समझिएगा यहां पर, ठीक है, वो क्या है? अगर आपसे कभी यह पूछ लिया जाता है ब्लू चिप कंपनीज किसको कहते हैं, ब्लू चिप कंपनीज, ठीक है, ब्लू चिप कंपनीज किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा भारत में स्टॉक एक्सचेंज है, आप सभी लोग जानते हैं, जिसको बीएससी के नाम से जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है आप सभी लोग जानते हैं, उसको सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। और सेंसेक्स में कितनी कंपनियां लिस्टेड होती हैं? 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां लिस्टेड होती हैं? 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। इन 30 की 300 कंपनियों को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानते हैं। ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट लीडर कंपनी होती हैं, जिनमें अगर आप अपने पैसे का निवेश करते हैं तो इतनी जल्दी डूबते नहीं हैं, याद रखिएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। तो ब्लू चिप पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, कंपनीज लिस्टेड इन सेंसेक्स, ऐसी कंपनियां जो बीएससी के सेंसेक्स में सूचीबद्ध हैं उनको ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए, मेन फ्रेम कंप्यूटर के मामले में सीपीयू की गति क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मेन है समझ लीजिएगा कंप्यूटर में, ठीक है। तो अगेन मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही है यहां पर, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में सीपीयू की स्पीड क्या होती है बता दीजिए आप फटाफट। अगर आपने कभी पढ़ा है तो आप इसका सही जवाब दे लेंगे, वरना आप सोच में पड़ जाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 16 का क्या होगा सही आंसर, फटाफट बताइए। तो जितने लोग ऑनलाइन है सेशन को शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, मेन फ्रेम कंप्यूटर में सीपीयू की स्पीड क्या होगी दोस्तों? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में सीपीयू की स्पीड होती है 30 से 1000 MIPS, 30 से 1000 MIPS स्पीड होती है, जानते हैं। पहली बात, मेन फ्रेम कंप्यूटर कहां प्रयोग होता है? तो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों, ठीक है, मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां जो उनके क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, बल्क डाटा, बल्क डाटा मतलब बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने के लिए, बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी स्पीड क्या होती है? 30 से 1000 MIPS। मैं आपको MIPS का भी फुल फॉर्म बताए देता हूं। MIPS का फुल फॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन, माइक्रो प्रोसेसर, आपको बता देता हूं, माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस। याद रखिएगा ये MIPS की फुल फॉर्म होती है, माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस, ये फुल फॉर्म है इसकी। आगे बढ़ते हैं फटाक से। अगला क्वेश्चन है, पीला बुखार, येलो फीवर इज स्प्रेड बाय, येलो फीवर, पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? हवा से फैलता है अपने आप, मॉस्क्यूटो मच्छर से फैलता है, हाउस फ्लाई जो घर की मक्खी हैं उससे, और या दोनों से, बोथ ए एंड बी, हवा से और मॉस्क्यूटो से।
पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? पीला बुखार, तो ज्यादातर आप देखते हैं बुखार किससे फैलते हैं, मॉस्क्यूटो से, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मॉस्क्यूटो। पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? मॉस्क्यूटो से। समझ लीजिएगा, पीला बुखार छोटी अवधि की एक वायरल बीमारी है। यह बीमारी एक संक्रमित मादा मच्छर, याद रखिएगा फीमेल मॉस्क्यूटो से होता है, मादा मच्छर के काटने से फैलती है। सामान्य लक्षण है बुखार, मांसपेशियों में दर्द इत्यादि। तो ये एक वायरल डिसीज है, याद रखिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन की, फीमेल मॉस्क्यूटो से होती है, याद रखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मानव शरीर में रीढ़ की नसों के कितने जोड़े मौजूद हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं? स्पाइनल नर्व्स के कितने पेयर हैं, कितने जोड़े हैं, ये भी आप बता देंगे, इजी आंसर, इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर में रीढ़ की नसों के कितने जोड़े मौजूद हैं, जल्दी से आंसर करिए इसका। जितने लोग भी जुड़े हैं सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए, सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए दोस्तों। तो कितने पेयर हैं? 31 पेयर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में स्पाइनल नर्व्स के रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की जो नसें हैं उनके 31 जोड़े मौजूद हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द एस्केप ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसी इज नोन एज। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल से अगर हीमोग्लोबिन का पलायन हो जाता है तो इस प्रोसेस को, मतलब एस्केप ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसी, इसको किस नाम से जानते हैं? द एस्केप ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी से हीमोग्लोबिन के पलायन के रूप में जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है उसको, जल्दी से बताइए इसका आंसर करिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से करिए इसका आंसर। मैं आप सभी के कमेंट्स पे अपनी नजर बनाए हुआ हूं, जल्दी से आप कमेंट करके बताते रहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्मोलिसिस। क्या है? थर्मोलिसिस इसका सही आंसर है। द एस्केप ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, फ्रॉम आरबीसी इज नोन एज थर्मोलिसिस। तो अगेन आरबीसी से अगर हीमोग्लोबिन स्केप कर जाता है तो इसको हम थर्मोलिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप सभी ने डी, नहीं नहीं कौशिक दास जी, डी आंसर नहीं है, इसका आंसर है बी, थर्मोलिसिस, याद रखिएगा, बी आंसर है थर्मोलिसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोट्यूबेल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म नलिकाएं आयोजन केंद्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द माइक्रोट्यूबेल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, सूक्ष्म नलिकाएं आयोजन केंद्र कौन सा है? सूक्ष्म नलिकाएं आयोजन केंद्र, तो सूक्ष्म नलिकाएं आयोजन केंद्र कौन सा है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम जानते हैं तो माइक्रोट्यूबनल आयोजन केंद्र सेंट्रोसोम है, जो परमाणु झिल्ली के बाहर मौजूद है। यह कोशिका विभाजन के चक्र के साथ साथ सूक्ष्म नलिकात्मक गठन को विनियमित करने में मदद करता है। इंग्लिश में क्या है? माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या है? सेंट्रोसोम है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड में होता है। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द साइकिल ऑफ सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन का साइकिल है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एज वेल एज माइक्रोट्यूबल फॉर्मेशन, और माइक्रोट्यूबल के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप सभी लोग आंसर देते रहिए, मैं आपके आंसर देख रहा हूं। अगला आंसर बताइए जल्दी से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सिस्टर क्रोमैटिक्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज सिस्टर क्रोमैटिक्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। निम्नलिखित में से किस चरण में बहन क्रोमैटिक्स विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं? तो कौन से फेज में, ठीक है, जो क्रोमेटिक्स हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सिस्टर क्रोमेटिक्स ये अपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। रामानंद जी 17 का डी मैं आपको देख लूंगा, मैं आपका 17 डी का जो क्वेश्चन है एक मिनट देख लेता है। मैंने आपको 17 का ये बताया, आप देख लीजिएगा 17 का क्या आंसर है। 17 का मॉस्क्यूटो है, आप देख लीजिएगा एक बार प्लीज, 17 का मॉस्क्यूटो है, ठीक है। रामानंद जी मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर लूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो जल्दी से जो मैंने बताया था क्या है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है दोस्तों एनाफेज। क्या है इसका सही आंसर? एनाफेज सही आंसर है, देखिएगा, ठीक है, समझिएगा इसको। तो द सिस्टर क्रोमेटिक्स
मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स एट एनाफेज स्टेज. एट एनाफेज द क्रोमेटिक्स स्प्लिट अपार्ट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पेंडल. मतलब एनाफेज चरण में विपरीत ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं. जो बहन क्रोमेटिक्स है ये एनाफेज फेज, जो एनाफेज चरण है इसमें विपरीत ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं. एनाफेज पर क्रोमेटिक्स अलग हो जाते हैं और धुरी के विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं, याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द फंड दैट इज डिस्प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू मीट एन अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर इज नोन एज. हिंदी में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यपालिका के निपटान में विस्थापित निधि को किस रूप में जाना जाता है. इसका सही जवाब आप सभी लोग बता लेंगे जहां तक मुझे पता है. जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. कौन सा ऐसा अप्रत्याशित व्यय, मतलब जो व्यय पहले से पता नहीं था उस व्यय को करने के लिए कौन सी निधि जानी जाती है. कंटिंजेंसी, कंसोलिडेटेड, इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, नन ऑफ दीज. तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, सही आंसर इसका होगा दोस्तों कंटिंजेंसी फंड. अब समझ लीजिएगा क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं. कंटिंजेंसी फंड को क्या बोलते हैं, आकस्मिक निधि बोलते हैं. हमारे बजट का एक हिस्सा होती है. याद रखिएगा जब भी कोई भी खर्चा करना होता है तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए खर्चे सारे किए जाते हैं किससे, कंसोलिडेटेड फंड से. कंसोलिडेटेड फंड से खर्चे किए जाते हैं. लेकिन समझिएगा कंसोलिडेटेड फंड के लिए बिल पास कराने पड़ते हैं. और बिल कहां पास होते हैं दोस्तों, संसद में, पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं. लेकिन आप समझिएगा संसद पूरे वर्ष तो चलती नहीं है. तो जब संसद नहीं चल रही है और कोई खर्चा करना जरूरी है तो राष्ट्रपति की अनुमति से कंटिंजेंसी फंड से उस अप्रत्याशित खर्चे को पूरा किया जा सकता है. और याद रखिएगा इस खर्चे, इसमें कितना फंड रखा जाता है, तो वर्तमान में कंटिंजेंसी फंड में 500 करोड़ रुपए रखे जाते हैं. वर्तमान में कंटिंजेंसी फंड में कितने रखे जाते हैं, 500 करोड़. सुवंकर मोहंता जी आप बिल्कुल सही करें, आर्टिकल 267, बिल्कुल ये देखिए, आप देख लीजिए आर्टिकल 267 के अंतर्गत इसकी बात कही गई है. आप बिल्कुल सही हैं, ठीक है. यह निधि मूल रूप से आपात स्थिति या मुख्य रूप से एक आर्थिक संकट के मामले में अप्रत्याशित बहिर्वाह मामले में उपयोग की जाती है. याद रखिएगा इसमें उपयोग करने के लिए किसकी अनुमति जरूरत होती है, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है. प्रेसिडेंट की अनुमति के द्वारा आकस्मिक निधि से हम कोई भी पैसा खर्च कर सकते हैं. और जितना भी पैसा खर्च करेंगे उसको किससे पूरा करना होगा, कंसोलिडेटेड फंड से उसको पूरा करना पड़ेगा. मतलब इसको हमेशा 500 करोड़ रुपए बना करके रखना है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. देन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. सब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा. आप देखते हैं भारत में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है. सभी राज्यों में उच्च न्यायालय होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसी ना किसी हाईकोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में जरूर आएंगे. तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आर्टिकल 214. जानते हैं इसके बारे में, तो चैप्टर 5 है, संविधान का भाग 5 है. भाग 5 में, ठीक है, स्टेट्स की बात कही जाती है. आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है. क्या बताया गया है, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट. सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा. अब मैं आपको बता दूं यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है, जितने भी राज्य हैं, राज्यों में तो हाई कोर्ट हैं ही, ठीक है, सभी राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है. लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक जो बात होती थी सिर्फ दिल्ली की बात होती है, अपडेट कर लीजिएगा, अभी तक बात होती थी कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसका खुद का हाई कोर्ट है. लेकिन अब दिल्ली के साथ साथ आप जम्मू और कश्मीर के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर भी अब यूटी बना दिया गया है और जम्मू और कश्मीर का भी अपना हाई कोर्ट है. तो ये अपडेट भी आप सभी लोग याद रखिएगा, अब दिल्ली नहीं जम्मू कश्मीर भी ऐसा यूटी है जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है. हाँ बिल्कुल आप सही करें. देन आगे बढ़ते हैं, 2020 में भारत वायुसेना दिवस के किस संस्करण का जश्न मना रहा है. ठीक है दोस्तों, आज भी एक एग्जाम हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, मेंस का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि भारतीय वायुसेना दिवस इस बार कौन से नंबर का वायुसेना दिवस मना रहा है.
तो अगेन कब मनाया जाता है वायुसेना दिवस कमेंट में बताइए, और इस बार कौन से नंबर का ये, कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है वायुसेना दिवस का, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सुवंकर मोहंता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, श्रीनगर, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर वहां तो दोनों की बात आती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 6 महीने राजधानी जम्मू रहती है, 6 महीने राजधानी क्या रहती है, श्रीनगर रहती है। देन जल्दी से बताइए, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ एयरफोर्स डे, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 88, जानते हैं इसके बारे में, तो द एयरफोर्स डे 2020 सेलिब्रेट्स 88th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है ऑफिशियल फाउंडेशन की, और कब मनाया गया था, 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 2020 का कौन से नंबर का था, तो ये 88th नंबर का था, याद रखिएगा। देन नहीं लोकेश जी 89 नहीं 88th नंबर का है, याद रखिएगा लोकेश जी 89 नहीं 88th। देन निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, जल्दी से बताइए, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, जिसके पास सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, जल्दी से बताइए, आंसर बता लेंगे आप जहां तक मुझे पता है, आप सभी लोग इसका, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जल्दी से बताइए, इसका आंसर करिए फटाफट। तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, ये गुजरात है, गुजरात। तो गुजरात फॉर्म द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स विद द टोटल लेंथ ऑफ 1214.7 किलोमीटर, मतलब 1214.7 किलोमीटर की पूरी कोस्टल लाइन है किसकी, गुजरात की। तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है, शुभ्रांशु जी आपने सही आंसर दिया, सुवंकर बिल्कुल, आरके जी आपने सही आंसर दिया, कौशिक दास जी आपने सही आंसर दिया, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, When was the gender inequality index introduced? लिंग असमानता सूचकांक कब पेश किया गया था, बताइए इसका क्या आंसर होगा, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स कब इंट्रोड्यूस किया गया, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स, जल्दी से। तो यह कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2010 में, जानते हैं इसके बारे में। तो द जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स इज एन इंडेक्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ द जेंडर डिस्पैरिटी, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2010 की आई थी, उसमें जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स मतलब लिंग असमानता सूचकांक को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगेन मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसके बिहाफ पर इंडेक्स 2020 में जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है, 112, कितनी रैंक है, 112। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी है, 112 रैंक है, याद रखिएगा। नहीं शुभ्रांशु बारिक जी, 2011 नहीं 2010 है, याद रखिएगा। देन भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी के फादर के रूप में किसको जाना जाता है, इसका आंसर करिए फटाफट, इंडियन इकोलॉजी के फादर, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, जल्दी से बताइए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ठीक है, कौन है, इन चार ऑप्शन है आपके पास, इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके जनक कौन माने जाते हैं, तो इंडियन इकोलॉजी के कौन जाने जाते हैं, समझिएगा यहां पर, ठीक है। मैं बढ़ता हूं आगे, तो इसके सही आंसर है दोस्तों रामदेव मिश्रा, क्या है, रामदेव मिश्रा हैं, ये सही आंसर है इसका। तो रामदेव मिश्रा भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं, उन्होंने पारिस्थितिकी के राष्ट्रीय संस्थान और राष्ट्रीय संस्थान और पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की भी स्थापना करी है, समझिएगा। रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, ही वॉज ऑल्सो फाउंडेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, इन्होंने क्या स्थापना करी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी की स्थापना करी है, और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट साइंसेज को भी इन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो ये बात याद रखिएगा, रामदेव मिश्रा। देन आगे बढ़ते हैं, साइलेंट स्प्रिंग इज एन इन्वायरमेंटल साइंस बुक रिटन बाय हूम, साइलेंट स्प्रिंग एक पर्यावरण विज्ञान की पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, साइलेंट स्प्रिंग एक पर्यावरण विज्ञान पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से बताइए आप फटाफट। सुवंकर मोहंता जी आपने सही आंसर दिया था, रामदेव मिश्रा बिल्कुल सही है, ठीक है, जल्दी से बताइए। आर के सिंह, अब इसका क्या सही आंसर होगा, आप सभी लोग कमेंट करिए फटाफट बताइए, साइलेंट स्प्रिंग, साइलेंट स्प्रिंग,
तो साइलेंट स्प्रिंग दोस्तों ये रैकेल कार्सन, ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। रैकेल कार्सन क्या हैं? ये एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। ये फीमेल हैं, महिला हैं, याद रखिएगा ये अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा है साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, याद रखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो मशहूर किताब रैचल कार्सन द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मूल रूप से पर्यावरण के साथ साथ पक्षियों पर कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग के प्रभाव की व्याख्या करती है। क्या व्याख्या करती है यह जरूरी नहीं है, आपको बुक किसने लिखी है पता होना चाहिए। देन आगे देखते हैं, जनवरी 2020 में खेले गए भारत के युवा खेलों का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया, जल्दी से बताइए। जनवरी 2020 में जो यूथ गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, रामानंद जी आप क्या बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मनाया जाता है 8 दिसंबर, क्लियर करिए उसको रामानंद जी। देन पहले इसका आंसर करिए, थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया का जो तीसरा संस्करण एक किस शहर में आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था गुवाहाटी में। और अगला संस्करण कहां पर आयोजित होगा, जल्दी से बताइए। अगला संस्करण मतलब 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहां पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जल्दी से बताइए। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहां पर आयोजित किए जाएंगे? ये आयोजित किए जाएंगे, मैं आपको बता दूं, पंचकुला हरियाणा। हरियाणा का एक शहर है पंचकुला, तो पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, गुवाहाटी आसाम, लोकेश जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है, रितेश जी हरियाणा, बिल्कुल, और हरियाणा में भी याद रख लीजिएगा पंचकुला। आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द साउंड अंडर वॉटर, बताइए। पानी के नीचे जो ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। लोकेश जी आप सही कह रहे हैं, नहीं सुवंकर गोवा में नहीं होगा, लोकेश जी गोवा में नहीं होगा, ये हरियाणा के पंचकुला में होगा, याद रखिएगा। जल्दी से इसका आंसर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द साउंड अंडर वॉटर, ठीक है, मेजर टू साउंड अंडर वॉटर मतलब पानी के नीचे जो ध्वनि है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये उपयोग किया जाता है हाइड्रोफोन का। किसका? हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, बी। सही आंसर दे रहे हैं रितेश जी, बिल्कुल सही आंसर किया आपने, बी बिल्कुल सही आंसर है, हाइड्रोफोन। तो जानते हैं हाइड्रोफोन इज अ माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है, यूज टू मेजर द साउंड अंडर वाटर, इसका इस्तेमाल किया जाता है पानी के नीचे की ध्वनि को मापने के लिए। मोस्ट हाइड्रोफोन्स आर बेस्ड ऑन पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर दैट जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर चेंज सच एज साउंड वेव, ठीक है। तो अगेन ये किस पर बेस्ड होते हैं, तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर पर ये बेस्ड होते हैं, बी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। आगे जानते हैं, आगे बताइए, फिर से एक क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिफरेंस इन हियरिंग, श्रवण के अंतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है डिफरेंस इन हियरिंग को मेजर करने के लिए, ठीक है, डिफरेंस इन हियरिंग को मेजर करने के लिए किसका उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो सही आंसर करिए इसका फटाफट, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑडियोमीटर, क्या होगा? ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। एन ऑडियोमीटर इज अ मशीन यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग द हियरिंग प्रोसेस, इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पेयर्स ऑफ हेडफोन्स एंड अ टेस्ट सब्जेक्टेड फीडबैक बटन विच इज कंट्रोल्ड बाय अ स्टैंडर्ड पीसी। एक ऑडियोमीटर एक मशीन है जिसका उपयोग श्रवण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर हेडफोन की जोड़ी होती है, एक टेस्ट सब्जेक्ट फीडबैक बटन होता है जिसे एक मानक पीसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑडियोमीटर, बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देन डीडीटी का आविष्कार, आप जानते हैं डीडीटी एक कीटनाशक है, इसका आविष्कार किसने किया था? डीडीटी आप लोग जो विलेज से जुड़े होंगे सभी लोग जानते होंगे, तो डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से बताइए, ठीक है, डीडीटी जल्दी से बताइए, एल ओ आर ओ डी आई पी वाई एल, ठीक है, अगेन याद रखिएगा, डिक्लोरा डिफेनायल, ठीक है, ट्राइक्लोरोथेन होता है, ट्राइक्लोरो, ठीक है,
LOROTHEANE, ठीक है, डेक्लोरो डिफेनाइल ट्राइक्लोरोथेन बोलते हैं इसको, DDT शॉर्ट में कहते हैं। तो DDT एक कीटनाशक है, किसने किया था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पॉल मुलर, बहुत सही आंसर किया आप सभी ने, सी है, ठीक है। हाँ देखिए, इसमें अगेन याद रखिएगा, जो अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हैं, और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी हैं। शुभ्रांशु जी बिल्कुल ठीक है, अजय जी बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। तो जुड़े रहिए आप, पॉल मुलर जानते हैं इसके बारे में। तो DDT क्या है? एक इंसेक्टिसाइड है, दैट वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसाइज्ड इन 1874 एंड इन्वेंटेड बाय पॉल मुलर। पॉल मुलर के द्वारा इस क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। इट इज कॉमनली यूज्ड पेस्टिसाइड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, कीटनाशकों को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, DDT का, याद रखिएगा। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देन अगेन बताइए, न्यूजीमेटिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, न्यूजीमेटिक्स किसकी स्टडी से संबंधित है? न्यूजीमेटिक्स जल्दी से बताइए, ठीक है, न्यूजीमेटिक्स किसकी स्टडी से संबंधित है, जल्दी से इसका आंसर करिए। न्यूजीमैटिक्स, तो दोस्तों क्या होगा इसकी सही आंसर? हाँ बिल्कुल रितेश जी आपने सही लिखा है, ठीक है, मेरे राइटिंग थोड़ी सी खराब है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। देन न्यूजीमैटिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी? तो कॉइन्स की, सिक्कों की स्टडी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? न्यूजीमैटिक्स के नाम से जानते हैं, समझिएगा। तो न्यूजीमेटिक्स इज द स्टडी और द कलेक्शन ऑफ करेंसी दैट कैन इंक्लूड क्वाइंस, टोकन, पेपर मनी एंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो क्वाइन, टोकन मनी, ठीक है, पेपर मनी और रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का इसका संग्रहण करना, ठीक है, या इसकी स्टडी करना, ये न्यूजीमेटिक्स कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आपने कहा है कौशिक दास जी, क्वाइन आपने सही आंसर दिया, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो न्यूजीमेटिक्स याद रखिएगा, न्यूजीमेटिक्स क्वाइन, ठीक है, स्टडी ऑफ क्वाइन और कलेक्शन ऑफ करेंसी दोनों से रिलेटेड है। देन ये भी आपको पता होगा, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही के जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसके द्वारा दही जमता है, ये भी आप बता लेंगे। लोकेश जी नेक्स्ट टाइम से मैं आपको जरूर करूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप सोचिए अगर चार चार ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एक सेशन में, ठीक है। जो चीजें आपको नहीं क्लियर होती हैं वो प्लीज आप बताते रहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए ऐसा सेशन लेकर के आऊंगा जहां मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन यहां पर अगर एक्सप्लेन करूंगा ना बहुत टाइम लग जाएगा। आप खुद सोचिए अगर मैं चार चार ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करता चलूं तो कितना टाइम लगेगा, आप खुद सोचिए। दैट्स व्हाई नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूं, समय की कमी के कारण। तो दही के जमने के लिए बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, सी है बिल्कुल, ठीक है, लैक्टोबैकुलस एसिडोफिलस, ठीक है, याद रखिएगा। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जीनस लैक्टोबैसिलस में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की एक प्रजाति है। यह जीवाणु लैक्टिक एसिड नामक एक एंजाइम का उत्पादन करता है जो दही के निर्माण में मदद करता है। यह जीवाणु क्या करता है? लैक्टिक एसिड नामक एक एंजाइम का उत्पादन करता है जो दही के निर्माण के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन सुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीटनेस ऑफ हनी। हनी, शहद की जो मिठास है उसके लिए कौन सी कार्बन सुगर जिम्मेदार है? यहां पर कार्बन शर्करा जिम्मेदार है, जल्दी से बताइए, ठीक है। लोकेश जी ए आंसर नहीं था उसका, सी आंसर था इसमें, जल्दी से बताइए। शहद की मिठास के लिए तो शहद की मिठास के लिए कौन जिम्मेदार है? तत्व, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लेवुलोज। क्या मतलब होगा इसका? लेवुलोज, ठीक है, जैसे ग्लूकोज होता है, कई चीजें होती है ना, ऐसे लेवुलोज होता है। ये शहद की मिठास के लिए जिम्मेदार कार्बन सरकरा है, कार्बन सुगर, यही है लेवुलोज, याद रखिएगा। डी आंसर सही है, याद रखिएगा, डी आंसर, सुक्रोज नहीं है, डी आंसर है लेवुलोज, ठीक है, याद रखिएगा। तो लेवुलोज इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट सुगर, इसको फ्रूट सुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेवुलोज इज अ monoacylide that is found it in honey and many other fruits and responsible for their sweetness content, ठीक है। ये monosaccharide है जो शहद और कई अन्य फलों में पाया जाता है और उसकी मिठास के लिए जिम्मेदार है। Then जल्दी से बताइए, लोटस, कमल, जो कि हमारे देश का क्या है, नेशनल फ्लावर है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कमल का वैज्ञानिक नाम, दोस्तों कमल का वैज्ञानिक नाम, लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है, आप सभी लोगों को पता होगा, जल्दी से बताइए लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है, लोटस का साइंटिफिक नेम जल्दी से बताइए मुझे, लोटस का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए फटाफट।
लोटस का साइंटिफिक नेम आपको पता होगा, मुझे गारंटी पता है आप सबको पता होगा इसका नाम, क्योंकि ये आपने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा। पॉलिटी में जब सिंबल्स पढ़ाए जाते हैं तब आपको पढ़ाया गया होगा लोटस। जल्दी से बताइए तो सही आंसर क्या है इसका दोस्तों, सही आंसर क्या है? सही आंसर आना स्टार्ट हो जाए हमारे पास, जल्दी आंसर करिए आप लोग, ठीक है? आने शुरू हो गए हैं। नहीं, मैग्निफेरा इंडिका नहीं है, मैंगो का नाम है वो तो, ठीक है? याद रखिएगा नीलुम्बो न्यूकिफेरा, नीलुम्बो न्यूकिफेरा, याद रखिएगा। बी आंसर सही है, बी बी, मैग्निफेरा इंडिका नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है? क्या है? नीलुम्बो न्यूकिफेरा है, नीलुम्बो न्यूकिफेरा, नीलुम्बो न्यूकिफेरा। देन आगे बढ़ते हैं। डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन्स विच इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन है वो कौन सा प्रोटीन है, याद रखिएगा। प्रोटीन के लिए डीएनए कोड जो जीवों का निर्माण खंड है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मानव शरीर में हमारी ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या यहां पर याद कर लीजिएगा जो एनिमल की भी बॉडी होती है उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन क्या है दोस्तों। इन तीन ऑप्शंस, अगला तो नन ऑफ दीज है, इन तीन ऑप्शन में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए। अजय शर्मा जी, मैडम आपकी साइंस की क्लास ले रही हैं, मंडे से फ्राइडे शाम को 6 बजे गुरप्रीत मैम आपकी क्लास लेती हैं, तो गुरप्रीत मैम आपको साइंस पढ़ा रही है बाकायदा, आपको लुसेंट से याद नहीं होती, आप मैडम की वीडियोस देखिए, और मैडम की जब क्लास हो तो उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो प्रॉपर सेशन आपका कंप्लीट कर देंगी, ठीक है? मैडम आपकी क्लास ले रही है मंडे टू फ्राइडे, मैं तो सिर्फ सैटरडे आपकी क्लास लिया करूंगा, लेकिन मंडे टू फ्राइडे मैम गुरप्रीत मैम अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है? तो अगेन दोस्तों, इसमें क्या होगा? कोलेजन। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कोलेजन, याद रखिएगा। 1/3 हमारे शरीर में जितना प्रोटीन है ना, उसका 1/3 हिस्सा जो है वो किससे आता है? कोलेजन प्रोटीन से आता है, याद रखिएगा। कोलेजन इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इज देन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इन द कनेक्टिव टिश्यूज एंड द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, इट इज मोस्टली फाउंड इन बोन्स एंड कार्टिलेजेस, मतलब हड्डियों और कार्टिलेज में पाया जाता है। और याद रखिएगा, किसके खाने से मिलेगा हमें कोलेजन प्रोटीन? तो याद रखिएगा, अंडे में पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन, मछली में पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन, खट्टे फलों में, ठीक है, लाल रंग की सब्जियों में, नारंगी रंग की सब्जियों में, लहसुन में, जैतून में, इन सब में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, और ये बेस्ट प्रोटीन होता है। देन माउंट ब्लैंक इज द हाइएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, माउंट ब्लैंक जो है ये किस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है? माउंट ब्लैंक, जल्दी से बताइए, माउंट ब्लैंक। तो माउंट ब्लैंक, जैसे अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो हिमालय की पीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो सेम एज माउंट ब्लैंक किसकी हाईएस्ट पीक है? तो दोस्तों ये आप जानते हैं एल्प्स की जो पहाड़ियां हैं, एल्प्स की पहाड़ियां जो एल्प्स माउंटेन रेंज है, इसमें सबसे ऊंची जो इसकी पर्वत श्रृंखला है उसे माउंट ब्लैंक के नाम से जानते हैं दोस्तों। देन ठीक है, यह समुद्र तल से 15,777 फीट ऊपर है और स्थलाकृतिक प्रमुखता में दुनिया में 11वें स्थान पर है, ठीक है? कितना है? 1577, याद रखिएगा, अबव द सी लेवल, ठीक है, 8,500 पर माउंट एवरेस्ट आता है, ये उससे भी ऊपर है, याद रखिएगा। देन अगेन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ किडनी, किडनी गुर्दे के अध्ययन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? उपयोग का मतलब प्रयोग किया जाता है, उपयोग मतलब नहीं, यहां हिंदी थोड़ा सा गलत हो गई है, प्रयोग समझ लीजिएगा। तो गुर्दे का अध्ययन, किडनी की स्टडी को किस नाम से जानते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं यहां पर। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देन जल्दी से बताइए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ किडनीज, तो इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। दिमाग में बसा लीजिएगा कि गुर्दे के अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नेफ्रोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, बहुत सही है, ठीक है। शुभ्रांशु जी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, शुभंकर जी बिल्कुल सही आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है दोस्तों, मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र मौजूद हैं? हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, जल्दी से बताइए कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में हैं, ह्यूमन बॉडी में गुणसूत्र जिनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में हैं, इसका आंसर करिए फटाक से मुझे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से। तो दोस्तों 23 पेयर्स। क्रोमोसोम मूल रूप से संरचनाओं की तरह पिरोए जाते हैं जो नाभिक में पाए जाते हैं, लगभग 23 जोड़े गुणसूत्र हैं जो हमारे मानव शरीर में मौजूद हैं, तो याद रखिएगा। तो कैसा लगा आपको सेशन दोस्तों? ये 40 क्वेश्चन का हमारा सेशन था, सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा,
ठीक है, कमेंट करके मुझे, और इस प्रकार के जो सेशन डेली चाहते हैं आप तो कमेंट में बताइएगा, और क्या आप चाहते हैं मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए उन सेशंस पर भी क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तो 51% डिस्काउंट के लिए AKHI कोड याद रखिएगा, ठीक है, इस कोड को इस्तेमाल करके जितने भी है विजिट करिएगा estore.ibpsguide.com। दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सुभ्रांशु जी देखिए, क्वेश्चन लेवल तो मैं नहीं कह सकता ना कैसा होगा, लेकिन मैंने आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, मैंने अपनी कोशिश करी है कि मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाऊं, वो क्वेश्चंस पढ़ाऊं जो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा हो। तो लेवल तो मैं भी अभी से जज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ लेवल अच्छा होगा। क्यों? सोचिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा है रेलवे का, जब इतने लोग फॉर्म भरते हैं तो लेवल तो बढ़ जाता है ना। तो याद रखिएगा लेवल अच्छा होगा, ठीक है, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। अजय जी बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम फिजिक्स से भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये रैंडमली थे, अब आगे नेक्स्ट टाइम सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आप ये ना कहिएगा कि इस सब्जेक्ट से सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे, किसी के कम किसी के ज्यादा हो सकते हैं। सुवंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अपनी राय, अपना फीडबैक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।